मध्य पूर्व एशिया को एक बार फिर बड़े तनाव ने जकर लिया है। इसकी शुरुआत इसराइल पर हमास आतंकियों के हमले से हो चुकी है। गाजा पट्टी से इसराइल की ओर भारी संख्या में रॉकेट दागे गए। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध बताया है। अब इसराइल भी हमास आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद दुनिया के कई बड़े राष्ट्र अध्यक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास द्वारा इसराइल पर किए गए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो वही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मैं इसराइल के खिलाफ हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। साथ ही ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसराइल पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह इसराइली नागरिकों के खिलाफ हुए हमास आतंकवादियों के हमले से स्तब्ध हूँ। इसराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इसराइल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। फिलहाल इसराइल पर हमास आतंकियों के हमले के बाद इसराइली सेना की जवाबी कार्रवाई जारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।